हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी नंबर के अंत में 5 हो 5 हो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो मैं स्वराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में आपके वाले गुरुजी। अगर आपको जानना है कि किसी भी नंबर के अंत में 5 हो उसका स्क्वायर हम लोग 1 से 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर रहिएगा। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे कि आप किसी संख्या के अंत में 5 हो उसका स्क्वायर आप इजीली 1 से 2 सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग छोटे नंबर से स्टार्ट करके फिर बड़ा बड़ा नंबर देखेंगे। ओके, सबसे पहला छोटा नंबर क्या है जिसके अंत में 5 हो तो वो खुद 5 है। क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। इसके बाद वाला नंबर क्या होता है? इसके बाद वाला नंबर है आपका 15। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। ओके, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? इसके बाद आएगा आपके पास 25। यहाँ तक तो सबको याद रहता है, इसके बाद सबको दिक्कतें आने लगती हैं जो कि आज के बाद नहीं आएंगे। तो क्या होगा? 625। इस बाद क्या होगा? इसके बाद नंबर आता है 35। 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1225। मैं कर क्या रहा हूँ वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। मैं इसमें एक स्मॉल सा लॉजिक लगा रहा हूँ जो कि आपको आगे से यूज करना है जिससे कि आप 1 से 2 सेकंड में किसी भी नंबर का जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं वो लॉजिक कौन सा है। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 05 का होल स्क्वायर से। 05 का होल स्क्वायर से, ठीक है। तो कोई भी नंबर आए, तो कितना भी लार्ज नंबर है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कीजिएगा कि 5 को अलग कर दीजिएगा और उसके साथ जो अदर पार्ट होंगे उसको अलग कर दीजिएगा। तो मैंने अभी 5 को अलग कर दिया और 5 का मैं ऑलरेडी स्क्वायर पता है हमको, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ओके, और अदर जो टर्म आएगा इसका क्या कीजिएगा? इसका एक जस्ट इससे बढ़ा के, इससे जस्ट एक बढ़ा के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या होगा? 0 × 1 क्या होता है? 0। टोटल क्या हो जाएगा? दोनों को आप एक साथ लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? 025। तो सबको पता है कि 05 का स्क्वायर क्या होगा? 025 मीन्स 25। सेम लॉजिक से क्या कीजिए आप? 15 का होल स्क्वायर मीन्स 15 का होल स्क्वायर। तो क्या करना है? पहले 5 का लिख लेना है, तो 5 का क्या होता है स्क्वायर? 25। फिर जो अदर पार्ट होगा उसका क्या करना है? जस्ट इससे एक बढ़ा के हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 × 2 क्या हो जाएगा? 2। 225। देख सकते हैं कितना इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह सेम लॉजिक से आप क्या कीजिए, 35 का होल स्क्वायर निकालिए। क्या करना है हमको? पहले 5 का क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है आपको बस 25। ओके, फिर आप अदर पार्ट का क्या करना है? इससे जस्ट एक बड़ा से हमको मल्टीप्लाई करना है। 3 × 4 क्या होता है? 3 × 4 12। तो क्या हो जाएगा? 1225 मीन्स 35 का स्क्वायर क्या होगा? 1225। इसी तरह 45 का निकालिए। 45 का क्या होगा? पहले हमको 5 का स्क्वायर चाहिए, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ओके, अदर पार्ट का हम लोग क्या करेंगे? जस्ट इससे एक बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 × 5 क्या हो जाएगा? ये 20। तो क्या लिखेंगे इसको? 2025। आशा करते हैं आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखिए 55 का स्क्वायर देखिए कैसे निकालेंगे। 55 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर पहले हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। और अदर पार्ट का क्या है? अदर पार्ट है आपका 5। इससे जस्ट एक बड़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 6 क्या हो जाएगा? 30। तो क्या होगा? ये 30 25। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 30 25। सेम लॉजिक से आप 65 का निकालिए। 65 का क्या होगा? इसका तो हम निकाल देंगे, आप क्या बोलेंगे इसका? कि 25 मैंने ऑलरेडी लिख रखा। और इसका क्या करेंगे? एक जस्ट इससे बड़ा का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा? 6 × 7 क्या हो जाएगा? 42 25। सेम लॉजिक से आप निकालते जाइए। जैसे कि आप 85 का निकाल के दिखाते हैं, आपको बहुत बड़ा बड़ा सा नंबर लेंगे आप, ठीक है। 85 का स्क्वायर देखिए कैसे निकालेंगे, सेम लॉजिक से 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। और 8 का, 8 से जस्ट एक बड़ा करके 8 × 9 क्या हो जाएगा? 72 25। ओके, उसी तरह 95 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25। और जस्ट एक बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, क्या होगा? जस्ट एक बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 10 क्या हो जाएगा? 90 25। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग निकालते हैं जस्ट एक और बड़ा सा नंबर देखते हैं, जैसे कि 105 सबसे बड़ा पार्ट। मैंने अभी बताया कि 5 को आपको अलग कर देना है और अदर पार्ट जितना भी नंबर है उसको अलग कर देना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा आपके पास 25। और 10 से जस्ट एक बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? जस्ट एक 10 से जस्ट एक बड़ा से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 10 × 11 क्या हो जाएगा आपके पास? 100 क्या हो जाएगा? 110।
क्या हो जाएगा 110 25। सेम लॉजिक से आप कीजिए 111 115 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 11 से जस्ट एक बड़ा सिग्मा मल्टीप्लाई क्या हुआ जस्ट एक बड़ा से 11 × 12 क्या हो जाएगा 11 × 12। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो अब मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक भी बताऊंगा कैसे 2 अंक का मल्टीप्लीकेशन 3 अंक का मल्टीप्लीकेशन आप बहुत ईजी वे में कैसे कर लीजिएगा ठीक है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है आगे के लेसन में देखते जाइएगा वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा ठीक है। तो मैं अभी आपको सिंपल लॉजिक से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ ठीक है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 22 30 132 125 ओके। तो ये था आप कितना भी बड़ा नंबर हो जिसके अंत में 5 को आप इसी लॉजिक से यूज करके बना सकते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा एक नंबर लेते हैं जैसे कि 175 का होल स्क्वायर क्या कीजिएगा पहले 5 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 ओके। उसके बाद क्या करना है आपको 17 में जस्ट एक बड़ा से मल्टीप्लाई करना है मतलब 17 × 18 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कर लीजिए एकदम इजी वे में कर सकते हैं 17 × 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मैं अगले क्लास में अगले लेसन में कुछ अगले वाले लेसन में आपको सिखाऊंगा कि 2 अंक का मल्टीप्लीकेशन 3 अंक का मल्टीप्लीकेशन आप इजी वे में ट्रिक से कैसे जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। अभी मैं आपको सिंपल मैटर जो कि अभी आप तक अभी तक आपने सीखा वो मैं करके दिखा रहा हूँ क्या होगा 8 7 56 5 7 7 5 126 8 1 ओके क्या हो जाएगा 6 10 3 मीन्स 3 0 6 2 5 ओके। तो 175 का स्क्वायर क्या होगा 3 0 6 2 5 इसी तरह आप कर सकते हैं 905 का होल स्क्वायर सेम लॉजिक से क्या करेंगे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 ओके और 90 से जस्ट एक बड़ा क्या हो जाएगा 90 से जस्ट बड़ा एक हो जाएगा आपके पास 91। तो 91 में आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए मीन्स और एक जीरो बैठा लीजिए 90 है तो जीरो बैठा लीजिए क्या हो जाएगा 8 1 9 0 25। इतना लार्ज नंबर देखिए आप कितना एक से दो सेकंड भी नहीं लगा अगर आपको इजी वे में अगर आप 2 अंक का मल्टीप्लीकेशन आपको अच्छे से करने आएगा ना वो मैं अगले 2-3 लेसन में आपको सिखा दूंगा कैसे इजीली वे में आप कर सकते हैं ठीक है। तो ये था आपका आज का लेसन जिसमें कि मैंने बताया कि किसी भी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका हम लोग 1 से 2 सेकंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर ओके। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके ओके। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का फर्दर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे ओके।